आप सबका अपना चैनल क्लीन भोजपुरी में आज एक गाना आया हुआ है, मतलब एक नहीं ऐसे तो तीन तीन सुपरस्टार का गाना आया हुआ है। एक गाना जो है वो अंकुश राजा जी का है, राकेश मिश्रा का है और साथ ही साथ एक खेसारी लाल यादव का भी है। तीनों गाने में मैंने देखा तो एक अजब सा चीज हो गया, मतलब विवाद के बाद जो है ना पब्लिक जो है अपना प्रतिक्रिया जो है वो साफ तौर पे दिखाना स्टार्ट करती हैं। जी हाँ, सबसे पहले हम देखते हैं कि खेसारी लाल यादव जी के गाना को कितना व्यूज मिला है। तो खेसारी लाल यादव जी का गाना जो है वो स्पीड रिकॉर्ड भोजपुरी से आया है और इस गाने का बोल है, एक मिनट मैं आप लोग को दिखाता हूं, टेढ़ी है पर मेरी है। जी हाँ, इस गाने का बोल है कि टेढ़ी है पर मेरी है और ये गाना जो है यहाँ पे 4,68,000 व्यूज जो है 7 घंटे में प्राप्त किया है। और अब देखेंगे यहाँ पे, देखिए राकेश मिश्रा जी का गाना है जो कि कच्चा बादाम है। इस गाने ने 6 घंटे में 6,41,000 व्यूज अचीव किया है। मतलब साफ तौर पर यह देखा जा सकता है कि जनता जो है अपना राय जो है वो देना स्टार्ट कर दिए हैं। मतलब राकेश मिश्रा इनके गाने पे 6 घंटे में 6,41,000 व्यूज और खेसारी लाल यादव जिनका मतलब इतने घंटे में जो था 1 मिलियन हो जाता था, लेकिन अब जो है उनका जो है दिन प्रतिदिन जो है स्टार्डम जो है वो नीचे गिरता जा रहा है। कारण उनके चमचे राइटर, चमचे यूट्यूबर और चमचा मैनेजर, ये सब मिलकर खेसारी लाल यादव को एकदम खोखला कर दिए हैं जातिवाद में उनको गिरा के। ऐसा स्थिति हो गया कि अब राकेश मिश्रा का गाना भी उनके गाने से आगे जा रहा है। आप लोग साफ तौर पर देखिए कि राकेश मिश्रा का गाना जो है खेसारी लाल यादव के गाने से ज्यादा व्यूज ले चुका है यहाँ पे। तो अब क्या कहेंगे, क्या पब्लिक ने नकार दिया है, नेग्लेक्ट कर दिया खेसारी लाल यादव को, ऐसा ही लग रहा है। बाकी पब्लिक है, इनका पानी पानी भी एकदम से व्यूज रुक गया विवाद के बाद। तो पब्लिक जो है साफ तौर पे अपना प्रतिक्रिया मुझे लगता है कि देने लगा। बाकी आप लोग क्या लग रहा है आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपने भाई को दीजिएगा इजाजत।